फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र में। यूं तो योगासन को प्राचीन काल से शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, पर आजकल इसकी महत्ता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे योगासन की तरह नियमित योग मुद्रा लगाकर बैठना भी काफी फायदेमंद माना जाता है। अब यूं तो योग मुद्रा कई प्रकार की होती है, पर सबसे उत्तम सूर्य मुद्रा होती है। वो इसलिए क्योंकि इससे कई फायदे हैं। दरअसल सूर्य की उंगली यानी अनामिका, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है, उसका संबंध सूर्य और यूरेनस ग्रह से होता है। इसके अलावा सूर्य ही ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं यूरेनस कामुकता और बदलाव का प्रतीक है। ऐसे में इस मुद्रा को केवल 15 मिनट करने से आपको वो चमत्कारी फायदे होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस मुद्रा में किस प्रकार बैठना है और ये मुद्रा कैसे बनानी है। सूर्य मुद्रा बनाने की विधि। सबसे पहले सूर्य की उंगली को हथेली की तरफ मोड़कर उसे अंगूठे से दबाएं, फिर बाकी बची तीनों उंगलियों को सीधा रखें। बस इसे ही सूर्य मुद्रा कहते हैं। गौरतलब है कि सूर्य मुद्रा को लगभग 8 से 15 मिनट तक ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। वैसे सर्दियों में इस मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट तक किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपको इस मुद्रा में कैसे बैठना है। सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख लें और ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की तरफ हो। इसके बाद अनामिका उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगा लें या ऊपर से अंगूठे से दबा लें। इस दौरान बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। गौरतलब है कि एक तो इस मुद्रा से वजन कम होता है और शरीर संतुलित रहता है। बता दें कि मोटापा कम करने के लिए यह बिना पैसे की दवा का काम करती है, पर जल्दी किसी चमत्कार की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये अपना असर धीरे धीरे ही दिखाती है। इसके अलावा इस मुद्रा का रोज 2 बार 5 से 15 मिनट तक अभ्यास करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। सूर्य मुद्रा के अभ्यास से मोटापा कम होने के साथ साथ शरीर की सूजन भी दूर होती है और इससे शरीर चुस्त दुरुस्त भी महसूस करता है। इसके साथ ही जिन महिलाओं के बच्चा होने के बाद उनका वजन बढ़ जाता है, उनके लिए इस मुद्रा का अभ्यास करना बेहद लाभकारी होता है। इससे उनका शरीर पहले जैसा हो जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा और गर्मी दोनों की मात्रा बढ़ती है, साथ ही शरीर में ताकत का संचार भी होता है। इसके अलावा गर्मियों में ये मुद्रा करने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लें। गौरतलब है कि कमजोर शरीर वाले व्यक्तियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक कमजोरी आ जाएगी। बस जिनको अपना शरीर स्लिम रखना है वो ये कर सकते हैं। वैसे इसे नियमित रूप से करने से बेचैनी और चिंता कम होती है और मन तथा दिमाग शांत रहता है। बता दें कि यह मुद्रा भूख को संतुलित करके पाचन संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। प्रातः काल में सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर ही इस मुद्रा को करना ठीक और फायदेमंद रहता है। इसके अलावा शाम को सूर्यास्त से पहले यह मुद्रा कर सकते हैं। बता दें कि अनामिका उंगली पृथ्वी और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन तत्वों के मिलन से शरीर में ऊर्जा का वास होता है। साथ ही इस मुद्रा को करने से व्यक्ति में अंतर ज्ञान जागरूक होता है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ 15 मिनट उंगली को दबाएं और पाएं ऐसा चमत्कार जिसकी आपने नहीं की होगी कल्पना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।